Hello students, good morning. This is Mr. Pija Titus from Salem Classes. So whenever you request or comment, uh, I could it myself. Just before half an hour somebody commented me that uh, so that he needs uh, God's greatest gifts hot question and answer. So immediately I made for you it. I hope you'll be enjoying so then let's uh, uh, start uh, uh, to explain the question and answer. so it is my request. if you are newly watching my video, please subscribe my channel and hit the bell icon also. at the same time, you can share your friends and classmates. so if you haven't seen my previous videos, so please watch go to my playlist and you can get communicative english class 7th and open that you can get almost all chapters video up to unit 1 to 5th and now Sixth unit is going on okay so i think uh, i made two video फ्रॉम रूट नंबर सिक्स ओके देन बट वेरी सिन आई एम गोइंग टू कम्प्लीट दैट सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको एक uh, इंटरफेस दिखेगा जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास सेवेंथ तो उसी में आपका सारा वीडियो पड़ा हुआ है यानी यूनिट वन से लेकर के यूनिट फाइव तक तो पूरा है और यूनिट सिक्स का एक दो वीडियो है तो बहुत जल्दी मैं उसको पूरा करूँगा यूनिट सिक्स तक और उसके बाद जितने चैप्टर्स में इस तरह का हॉट्स क्वेश्चन है और वो सबको भी मैं करूँगा साथ साथ आपके जो वर्ड प्रॉब्लम है सॉरी नॉट वर्ड प्रॉब्लम वर्ड पावर जो न्यू वर्ड्स है उसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा लेकिन सबसे पहले तो हमें जरूरी क्या होता है क्वेश्चन आंसर होता है तो बच्चों आप यदि पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तो बेल आइकन की भी दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सो देर आर थ्री क्वेश्चन ओके only 3 questions are there but answers are little bit long it is not like sst you know that uh, if uh, you have to write uh, uh, question answer of sst history so how long is that uh, you know but according to that it is very small so uh, then let's begin how do trees help us to purify द एयर है ना एयर को प्योरीफाई करने में ट्री कैसे मददगार बनता है देर इज ऑक्सीजन इन द एयर बट इट इज बिंग कॉन्स्टेंटली यूज ऑफ अन टर्न इन टू कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी एयर है वह एयर में ऑक्सीजन तो है लेकिन जैसे कुछ इस्तेमाल के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं कैसे When animals एनिमल्स ब्रीथ एंड थिंग्स oxygen ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंडी कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड जब एनिमल्स ब्रीथिंग करते हैं है ना सांस लेते हैं और साथ ही साथ जब कुछ जलाया जाता है और उस समय क्या होता है कि वहाँ पे और ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो जाता है यानी खर्च होता है और उसकी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज ऑब्जर्व दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन तो ऐसे समय पर क्या होता है कि ग्रीन लीव्स का जो ग्रीन ट्री का जो लीव्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है यानी खींच लेता है और साथ ही साथ क्या करता है ऑक्सीजन को रिलीज करता है अकॉर्डिंग टू दिस वे द ट्रीज हेल्प अस टू प्योरीफाई द एयर तो इसी प्रकार से ट्री क्या करता है कि मतलब एयर को प्यूरीफाई करने में वो मददगार बन जाता है तो इसका आंसर और भी थोड़ा लंबा हो सकता था लेकिन मैंने सोचा कि ज्यादा लंबा करेंगे तो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर लर्निंग सो so, एनीवे anyway, अगर आपको और भी ज़्यादा लंबा करना है तो आप इसमें फोटोसेंथिसिस जो साइंस में है फोटोसेंथिसिस का जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा पढ़े उसमें से भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा ये आंसर को और भी एक्सपांड करने के लिए सो लेट्स लुक क्वेश्चन नंबर टू व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज एंड फॉरेस्ट माइंडलेसली यानी बिना सूझबूझ के बिना विचार विमर्श भी के जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं जंगल को सफाई करते हैं तब क्या सब हानि हमको उठाना पड़ता है यानी क्या सब डिसएडवांटेज है? है ना हमको उठाना पड़ता है तो आंसर इस प्रकार है द डिसएडवांटेज ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज एंड फॉरेस्ट माइंडलेसली फॉलोस यानी जो हानि होता है पेड़ों को काटने के द्वारा वो सब क्या क्या है जो आगे बताया जाता है नाउ वी डोंट हैव यहाँ पे बिट हो गया तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ आपके सामने और हमेशा सा टाइप करने के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है ओके okay, तो अभी हम देखते देख रहे थे कि किस तरह से हाँ तो यस तो जो सेकंड क्वेश्चन था ये जैसे कि इंसान माइंडलेसली क्या करता है ट्री काटता है तो उसके साथ क्या होता है नाउ वी डोंट हैव एनो ट्री टू कीप आस फायर वुड इवन तो आज के समय पर हमको मतलब आ, ट्री के काटने के द्वारा अभी फायर उड हमको अभी मिलता नहीं है बहुत ही मुश्किल है डब्लू डब्लू ओ डी फायरव है ना डब्ल्यू यू एल डी यहाँ पे हो रखा है सो पीपल आर फोर्स टू बर्न कैटल डंग विच आर टू बी सेव्ड फॉर यूज फॉर यूज आश मैनर तो जिसको uh, उसके लिए रखा गया था मतलब मैनर के लिए खाद के लिए रखना चाहिए था और मजबूरी में लोग कैटल डंक का इस्तेमाल करने लगते हैं क्योंकि लकड़ी कम हो गया अगर लकड़ी कम हो गया तो ये स्वाभाविक है उसको कि वो और कुछ भी उसका इस्तेमाल करेगा देर इज़ अनादर ग्रेप डेंचर और एक बड़ी सी विपत्ति है नाव वी डोंट हैव एनफ ट्री टू क्रिएट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ बींग प्रोड्यूस्ड इन आर होम्स फैक्ट्रीज एंड बाई आर ऑटोस तो यहाँ पे और एक मतलब प्रॉब्लम है कि अब ट्री के कमी होने के कारण क्या होता है कि जितने भी धुआँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जितने भी होम से फैक्ट्री से है ना या तो फिर हमारा जो ऑटोमोबाइल्स से वहाँ से जो निकलता है वो सबको अवशोषित करने के लिए अब ट्रीज नहीं है ना तो इसी के चलते ग्लोबल वार्मिंग का जो कंडीशन है वो और भी बढ़ता जाएगा यू नो दैट वन वी डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड हाउ द ट्री क्लींस द एयर मीन्स इफ देर इज मोर ट्री सो द ट्रीज विल ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन नाउ देर इज मोर ट्रीज देर इज नो मोर ट्रीज दैट इज वाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज स्प्रेडिंग ओवर द अर्थ

इन आंशियन टाइम्स प्राचीन काल में इंसान किस किस प्रकार से पेड को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता था तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पे है ना तो हाँ मैन इन ओल्डन डेज यूज़ वुड फॉर मैकिंग दर होम सबसे पहले बात है वो अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों को मतलब ट्री को इस्तेमाल करता था जैसे कि कैनोइस एंड वेपन्स उसके साथ साथ और भी ज़रूरी चीज़ें को वो उन्हीं के द्वारा रैप्स और कैनोइस वेपन ये सबको बनाता था द यूज इट आज फ्यूअल टू कुक एंड कीप देम सेल्प वार्म मुझे बचपन के बारे में याद है कि बचपन में हमारे पास ये गैस व्यास कुछ नहीं होता था है ना? और गैस सिलेंडर तक नहीं देखा था मैं तो बचपन के समय की बात कह रहा हूँ तो तभी लकड़ी से ही सब कुछ होता था लेकिन आजकल लकड़ी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया क्योंकि लकड़ी वैसे भी कम मिल रहा है इन एडिशन टू वुड मैन वाज डिपेंडेंट ऑन ट्री फॉर मैनी अदर ऑल्सो केवल उतना ही नहीं बल्कि इंसान और भी कई चीज़ के लिए वो इस्तेमाल करता था एक कॉट फ्रॉम द फ्रूट्स वो फ्रूट्स को प्राप्त करता था एंड नट्स फॉर हिज फूड अपने फूड के लिए वो नट्स uh, को फ्रूट्स को ये सभी चीज को प्राप्त करता था और लिप्स ओके नॉट एल आई पी एस लिप्स लिप्स एल ई वी एस ऑफ द पाम एंड अदर ट्री वेर यूज फॉर टैचिंग रूप्स तो जो पाम ट्री का लिप्स होता है है ना पत्तिया जो होता है उसी के द्वारा वो अपनी छत भी बना सकता था द बार्क एंड द लीव्स ऑफ ट्रीज वर यूज फॉर क्लोथिंग और जो बार्क होता है ना पेड़ों की खाल जिसे कहते हैं वो है लीब्स से उसी के द्वारा भी वो क्या कर सकता था कि वो अपना क्लोथ बनाता था क्लोथ के रूप में ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता था फिर साथ ही साथ हम और एक चीज़ देखते हैं यूटेंसिल्स वेर मेड फ्राम कल्बेस्ट कोकोनेट एंड द सेल्स ऑफ अदर फ्रूट्स जो अदर फ्रूट्स का सेल्स होते थे उसी में वह अपना बर्तन भी बनाया करता था है ना आज के तारीख में भी हम देख सकते हैं जो कोकोनट का जो सेल्स होता है उसी के जरिए उसको एक कटोरे की तरह इस्तेमाल कर भी सकते हैं ए नंबर ऑफ मेडिसिन डाइस टैनिंग मेटेरियल्स एंड द स्पाइसिस वर ऑप्टेन्ड प्रॉप ट्रीज केवल उतरायने बल्कि मेडिसिन जो है डाइस भिन्न भिन्न प्रकार के कलर और मसाला इस प्रकार के कई सारे चीज़ें जो है क्या होता था कि पेड़ों को द्वारा आदि मानव को यानि जो मैन प्राचीन काल के जो लोग थे उनको मिलता था और साथ ही साथ हमारे जो विशेष मनी ऋषि थे ये लोग भी क्या करते थे जंगल में जा कर के ही अपने आश्रम को बनाते थे और वहाँ पर ही रह कर के बच्चों को पढ़ाते थे और मेडिटेशन भी वहाँ पे करते थे तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ और प्राचीन काल में लोग जंगल के द्वारा और पेड़ों के द्वारा वो फ़ायदा को प्राप्त करते थे तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है फिर भी यदि और किसी चैप्टर के लिए कोई भी समस्या है इंग्लिश से रिलेटेड सो कृपया करके आप कमेंट करें मैं कोशिश करूँगा आज संडे था इसलिए जैसे आपने कमेंट किया और वैसे मैं दे दिया लेकिन आदरदे में हो सकता है एक दो तो दिन लेट भी हो जाए सो थैंक यू मै गॉड ब्लेस यू हैव ए गुड डे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन मै गॉड ब्लेस यू